प्रयोग हम कर रहे थे आयदर और दो दिन हो गए वाक्य करते हैं। अब आपको समझ में भी आ जाना चाहिए कि वाक्य कैसे बढ़ाना है। जैसे राजू ब्रॉक द विंडो ग्लास, सोहन ब्रॉक द विंडो ग्लास, ठीक है। आइदर और लगाना है तो आइदर और लगाते समय अपने को क्या ध्यान रखना है कि आइदर और जब भी हम लगाएं तो अपने को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तुलना करनी है, समान क्या है और समान क्या है। जैसे इसमें सब्जेक्ट आया राजू, इसमें सब्जेक्ट आ गया सोहन। अब आपको देखना है वर्ब और ऑब्जेक्ट एक जैसा आया नहीं है। ब्रॉक द विंडो ग्लास इसमें भी आ रहा है, ब्रॉक द विंडो ग्लास एक जैसा आ रहा है। तो जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग है। जब हम आइदर और का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले आइदर आ जाएगा, आइदर राजू, और जब आइदर आएगा तो साथ में और आ जाएगा। दूसरा सब्जेक्ट क्या है अपना, सोहन। आइदर राजू और सोहन, फिर आ जाएगा ब्रॉक द विंडो ग्लास, ठीक है ना। सब्जेक्ट अलग अलग था इसलिए आइदर सबसे पहले आया, फिर पहला सब्जेक्ट, फिर दूसरा सब्जेक्ट, और आकर दूसरा सब्जेक्ट, फिर पीछे वाला वाक्य। जो ऑब्जेक्ट और वर्ब एक जैसी है उसको हमने क्या कर दिया, एक बार उतार दिया। इस प्रकार आइदर ये आइदर लगा दिया, देखो हमने यहाँ पर, और यहाँ पर और लगा दिया। ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया यहाँ से, ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया यहाँ से, और ये जो ब्रॉक द विंडो ग्लास ये एक बार लिखना है, ये यहाँ लिख दिया, देखो ब्रॉक द विंडो ग्लास, ठीक है। रीता इज ए डॉक्टर, रीता इज ए टीचर, गौर कर लो वाक्य में। इसमें आप सब्जेक्ट पर देखे ना तो इसमें रीता आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, रीता आ रहा है। सब्जेक्ट दोनों का एक ही है, समान है। सब्जेक्ट क्या है, समान, वही है। तो फिर अलग क्या है, इसमें आ रहा है डॉक्टर और इसमें क्या आ रहा है, टीचर। ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग है, ये ऑब्जेक्ट हो गए इसके। सब्जेक्ट तो एक ही आ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट अलग अलग आ रहे हैं, ये हमने देख लिया। अब जैसे इसमें आइदर पहले लगाया, इसमें क्या आइदर पहले लगाना है, तो आइदर रीता लिखेंगे तो और फिर क्या लिखना पड़ेगा, रीता। दोनों ही रीता है तो फिर कैसे लिखेंगे। इसका मतलब सब्जेक्ट समान है, ऑब्जेक्ट में अलग अलग है। तब हम आंसर जब करेंगे तो रीता इज ए, इसको एक बार लिख देंगे। ऑब्जेक्ट जो अलग अलग था उससे पहले आइदर लगा दो, आइदर डॉक्टर और टीचर, ये देखो आइदर और, यहाँ आइदर लग गया डॉक्टर से पहले और लग गया टीचर से पहले। दोनों वाक्यों में अंतर है, वो अंतर आपको पहचानना है कि आइदर और का अंतर हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। ये अंतर नहीं पहचान पाओगे तो नहीं कर पाओगे। जैसे राजू वेंट टू मार्केट, राजू वेंट टू हॉस्पिटल, दोनों में सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें भी राजू आ रहा है, इसमें भी राजू आ रहा है, एक ही सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट देखो इसमें मार्केट आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, हॉस्पिटल आ रहा है। ऑब्जेक्ट अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है ना, तो सब्जेक्ट एक ही है। तो हमने लिख दिया राजू वेंट टू, पहला ऑब्जेक्ट के साथ आइदर लगाओ, मार्केट, फिर और लगाओ, आइदर और लगा दिया, हॉस्पिटल। तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट अलग अलग था, मार्केट और हॉस्पिटल, उसके पहले आइदर और का प्रयोग कर दिया। आगे राजू वेंट टू दोनों में समान है, उसको एक बार आगे लिख
लिख दिया। तो आइदर और अब समझ में आ गया होगा आपके कि कैसे आइदर और में परिवर्तन आपको किस प्रकार आइदर और का प्रयोग अपने को करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तुलना करनी है, उसके बाद आइदर और आप आसानी से क्या कर सकते हो, लगा सकते हो।